हेलो बच्चों, आप लोग 9th पास आउट करके अब 10th में आए हैं और 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर। अब इस चैप्टर में रियल नंबर को अधिकांश टीचर आपको जब पढ़ाएंगे, जब क्लास की शुरुआत करेंगे, आपके स्कूल में भी आप देखेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर को क्या करते कहते हैं, बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, उनको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है चीज़ों को। तो आज हम आपको बताएंगे इस चैप्टर को कैसे हम आसानी से करें, और इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे आप 10th में जाओगे, एकदम पहला चैप्टर है जिसका कंसेप्ट बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, जैसा आपने पहले करा है पहला लेसन 1.1 NCERT का, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट से इस चैप्टर को समझाते हैं और होपिंग कि आप बहुत अच्छी तरह से चैप्टर कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात है रियल नंबर। ये रियल नंबर है क्या? हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस पहले चैप्टर फोकस करते हैं। रियल नंबर है क्या? देखो, द सेट ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी नंबर हैं रेशनल और इरेशनल, सबके सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे हम रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने 9th में पढ़ा है, व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो ये तो आपने पढ़ा, इसी को तो हम कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम, रेशनल नंबर। अब भैया, इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो और जहाँ क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कहने का मतलब, पी वाई क्यू का मतलब क्या है, एक ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो। जैसे हम बात करते हैं थ्री, थ्री एक नंबर है, इससे और इसको हम जानते हैं कि हर एक जो है वह नंबर के नीचे हम वन लिख सकते हैं, तो 3/1 ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। वैसे तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, बट ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है, किसके अपॉन में हम वन लिख सकते हैं। बट मतलब जितनी भी हम संख्याएं यूज करते, भी नंबर हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो मैक्सिमम ऑफ नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है। बट इसके अलावा हमें बहुत सारे नेचुरल नंबर, आई मीन टू से इरेशनल नंबर का भी यूज करना पड़ता है। अब इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, जैसे देखो हम बात करते हैं √3, इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो ये क्या है, इरेशनल नंबर। मतलब द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हम बात करते हैं किसकी, √5 की, हम बात करते हैं पाई की, हम बात करते हैं √2 की, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। अब हम बात करेंगे इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ समय पढ़ना नहीं, क्योंकि हम 9th पढ़ चुके हैं, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वह है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम। तो हम इस सबसे पहले ये देखें कि लेमा में और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, बात करते हैं किसकी, लेमा की और एल्गोरिदम की, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बार बार ये टर्म्स पढ़ने को मिलेगा, लेमा एल्गोरिदम। तो लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। ये क्या है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब दूसरा क्या है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, इट इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। ये क्या है, एक सीरीज है अच्छे से डिफाइंड किया स्टेप, जो क्या करता है, हमें एक प्रोसीजर देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप इस चैप्टर को अभी करेंगे, तो आपने सबसे पहले लेमा के बारे में पढ़ना है कि लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट, वो पहले से ही क्या है, प्रूफ है। और एल्गोरिदम क्या है, उस लेमा के बेस पे आपको क्या कहता है, एक सीरीज देता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स देता है, जो क्या करता है, आपको दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। अब इस समय क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देखो यह एक इंटीजर्स के बारे में बताता है कि यदि एक इंटीजर्स है ए, क्या है, ए, ए को यदि हम बी से डिवाइड करते हैं और हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है आर। यदि हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आर मिलता है, तो यह जो आर होगा वो हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। आप इसे ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे देख लीजिए, हमारे पास एक नंबर है 2 और हमें उसको, उससे हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, 1, क्या आया, 1, 1 ऑलवेज बी स्मॉलर देन 2। तो यहाँ क्या हो गया, बी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, 1 से, है ना। सेम एज हम बात देख ऐसे करते हैं,
1, 7, 9। अब इससे हमें क्या करना है, 2 को 2 से डिवाइड करना है। 2 8 जा 16, है ना। 7 6 गया 1, दैट 9। अब देखो ये 19 है, इसका मतलब हमारा डिवीजन पूरा नहीं हुआ, हमें इसको और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर है इससे। 2 9 जा 18, अब क्या आ गया, 1, और हमारा रिमाइंडर आ गया 1, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा, इससे हमें लेमा से, यूक्लिडियन लेमा क्या कहता है कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। डिवाइजर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, रिमाइंडर से। तो यही इसके अंदर बात है। और इससे और एल्गोरिदम से हम क्या प्रूफ करते हैं, तो जो हम HCF निकालते हैं इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड स्टेप हमें कहाँ से मिल जाता है, लेमा से मिल जाता है। एल्गोरिदम का यूज़ किस लिए करते हैं, हम HCF को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इस सवाल की तरफ जब जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को अभी देखेंगे। देखो बेटा, हमने समझ लिया कि लेमा और एल्गोरिदम में क्या अंतर है। अब एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। उसके अंदर उन्होंने दो लॉ दिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने क्या पढ़ा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, और देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, तो वहाँ क्यू और आर एक यूनिक इंटीजर्स और होता है जो सेटिस्फाई करता है, क्यों सेटिस्फाई करता है, ए बराबर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करता है। अभी हम देखते हैं इसको, आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसको। उसके बाद उससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सेम चीज़ है, देखिए गौर से देखिएगा, सेम चीज़ है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर ऑल्सो। यदि मतलब ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो जितने भी कॉमन डिवाइजर हैं ए और बी के, वह बी और आर के भी क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। अब इसको हम मैथमेटिकली करके देखते हैं, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या पढ़ा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो इज ग्रेट इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर, और आर इज स्मॉलर देन बी। अब देखिए हमारे पास, हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, फिर से दे रहा हूं, हमारे पास दो नंबर है कोई सा भी, 21 एंड 6। हम क्या देखते हैं यहाँ पे, 6 से हम 21 को डिवाइड करते हैं, तो 6 3 जा 18, क्या बच गया हमारे पास, 3, ठीक है, रिमाइंडर 3 है। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, यह 3 रिमाइंडर जो है वह क्या है, बड़ा है किससे, बी से। अब यदि हम एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 5 और 20 लेते हैं, 5 4 जा 20, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, तो 0 के बराबर हो सकते हैं, या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और लेकिन बी से हर हाल में क्या होगा, छोटा है। अभी देखिए ये जो रिमाइंडर है वह क्या है, बी से छोटा है, यहाँ भी रिमाइंडर जो है वह क्या है, बी से छोटा है। तो यही क्या है आपका, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और मानते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। तो बेटा अब हम चलते हैं किधर, हम चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकाल, मतलब NCERT का चैप्टर 1.1। आज से हमारी शुरुआत हो रही है भाई, 9th क्लास और 10th क्लास आप इसे रिवीजन के तौर पे देखेंगे। तो हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। दो नंबर हमारे, दो हमने क्वेश्चन लिए हैं, पहले 1, 3, 5, 2, 2, 5 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें क्या लेना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो देखो हमारे पास नंबर क्या है, 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5 है। अब इस वन, अब इसमें देखो जो बड़ा नंबर है उसे हम क्या मानते हैं, ए। हमने क्या पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, हमने क्या पढ़ा है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी।
अब देखो हमें ध्यान रखना है, हमें ए क्या लेना है, जो बड़ा नंबर होगा, और छोटे नंबर क्या लेना है, बी लेना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, ए की जगह क्या आ जाएगा 225 और बी की जगह क्या आ जाएगा 135। अब देखो बाबू हम क्या करते हैं, यदि 225 को 135 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 से 5 0, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वोशेंट कितना आ रहा है 1 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 90, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, एल्गोरिदम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एल्गोरिदम का मतलब पढ़ा था कि सीरीज, अ सेट ऑफ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा हमें। तो सीक्वेंस कैसे बनेगा भैया, ये जो बड़ा नंबर है अब इसको यहाँ पे लेना है, और इसमें ये जो नंबर है इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे 135, 91 जा 90, यहाँ क्या आ गया 5, यहाँ आ गया 4, कितना टाइम्स लगा, 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 5। देखो आर रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर लिख रहे हैं, बी की जगह बी लिख रहे हैं, आर और क्यू की जगह क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाबू अब क्या होगा, खुद बताओगे तुम, यहाँ पे क्या आएगा बेटा बताओ, यहाँ पे आएगा 90, क्योंकि दोनों में क्या है 90 बड़ा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, और 45 से 90 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 45 2 जा 90, रिमाइंडर आ गया 0, 45 2 जा 90 रिमाइंडर आ गया, जो जब भी रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला नंबर क्या हो गया आपका, एस सी एफ हो गया, क्या हो गया, एस सी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया 45। कैसा लगा, है ना बहुत आसान, समझ में आप लोगों सबको। देखो बेटा ध्यान से देखना है, मुश्किल कुछ नहीं है बाबू, बस कहने के लिए, ठीक है। अब देखो हमारा दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, चलो फिर भी हम एक कर देते हैं ना। 196 हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, क्या लिखना है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, क्या लिखना है, क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या होता है एल्गोरिदम, ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर एंड आर स्मॉलर देन बी, सेम बात है, हर एक क्वेश्चन को हम इस एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। और हमने क्या कहा था, जो बर्थडे नंबर हो तो सब क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, दैट इज 3 8 2 2 0, और स्मॉल नंबर क्या हो गया 196। अब देखो यहाँ पे 196 से 3 8 2 2 0 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, हम देख रहे हैं 1 टाइम में आ रही है तो हम क्या लिख लेंगे 196, 12 से 6 गया 6, है ना, और ये क्या बच गया आपका 17 से गया तो 8, है ना, 17 से 8 गया तो कितना बच गया आपका 8 बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 से 1 गया 1, क्या बच गया 186। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा गया 2, क्या आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि अब ये जो है वो कितने जा रहे हैं 9 टाइम में क्या हो जाएगा 1 7 6 4, 12 से 4 गया कितना बच गया 8, 15 से 6 गया 9, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 0, ये 5 टाइम्स में हो रहा है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में 980। हमें तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर छोटा नहीं आएगा, हमने बताया था ना अभी, तो क्या हो जाएगा 0 0 0। अब क्या करना है, इसको हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि ये 196 था, इसको हमने 195 में डिवाइड पढ़ा और रिमाइंडर तो 0 आया, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं कि हम अगला स्टेप करें, तो हमारा जो एस सी एफ है वो यहीं पे आ गया, एक स्टेप में एस सी एफ दैट इज 196। यदि यहाँ रिमाइंडर बचता तो क्या करते हैं, फिर हम बड़े नंबर को यहाँ लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन देते हैं, फिर छोटे नंबर को यहाँ लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं हम आगे सेम एज इसको हम क्या करते हैं एस सी एफ के फॉर्म में करते चले जाते हैं। तो समझ में आ गया, थर्ड पार्ट आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ध्यान देना यहाँ पे ओड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q और 6q+3,
सिक्स और सिक्स क्यू प्लस फाइव भी हो सकता है इसमें, होगा जो होगा, और सिक्स क्यू प्लस फाइव है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमने क्या कहा था आपको, हमें कुछ यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने अभी सीखा है, बस वही का यूज करना है। और देखो फिर कितनी मजे से चैप्टर आपसे बनता चला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या हो गया, हमने यूक्लिड लेमा से हमने क्या सीखा है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, वेयर जीरो इज स्मॉलर देन ग्रेटर टू, सॉरी स्मॉलर देन इक्वल टू आर एंड आर स्मॉलर देन बी। तो देखो हमारे यहाँ पे बी क्या है, सिक्स है, क्या बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी क्या हमारे पास, बी इज इक्वल टू सिक्स। तो आर हमने क्या पढ़ा भैया, आर तो पढ़े से छोटा होता है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा ओड इंटीजर से भाई, तो वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा और फाइव हो जाएगा। इफ यदि हम आर इज इक्वल टू क्या लेते हैं, वन लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा है, सो हमने क्या पढ़ा है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, सॉरी बेटा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी हमारे पास कितना है सिक्स क्यू, और आर के लिए हमने वन लिया, हमारा पहला स्टेप प्रूफ हो गया। ठीक है, यदि हम आर के, इफ आर इज इक्वल टू थ्री, इफ आर इज इक्वल टू थ्री, यदि हम आर की वैल्यू थ्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, बी तुम्हारा सिक्स है, सिक्स क्यू प्लस थ्री। इफ आर इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, बी कितना है सिक्स है, तो सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो ये देखो हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया और हमारे सारे स्टेप्स क्या हो गए, क्लियर हो गए है ना, हम आगे भी यही करेंगे, सर एक ही फॉर्मूला से सारे स्टेप को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेटा हमने आपको क्या बताया था कि इस पूरे एक्सरसाइज को ना हमें एक सिंगल फॉर्मूले से करना हो, क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम देखेंगे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर, वेयर जीरो इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर एंड आर स्मॉलर देन बी। अब देखो अगला हमें देखना है क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3m, क्या कह रहा है 3m, ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज इक्वल टू 3, तो r क्या होता है, b से छोटा होता है, तो r क्या हो जाएगा 0, 1, 2। ठीक है, अब इफ r इज इक्वल टू 1, जी सॉरी 0 लेते हैं पहले, यदि r हमारा क्या है 0 है, तो हम क्या करेंगे, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। लेकिन आपने देखना है क्वेश्चन में क्या आपको कह रहा है, स्क्वायर, क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, यदि हमें क्वेश्चन में नहीं कह रहा होता तो हम नहीं लगाते, क्योंकि हमारा हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, ये बात आपको स्पेशली देखना है। दूसरा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स आर के लिए जीरो से बड़ा, वो जीरो वन टू, जीरो क्या तो इक्वल होगा उसके, उससे बड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है थ्री, थ्री क्यू प्लस जीरो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर। ध्यान देना ये है कि हमें क्या चाहिए, थ्री चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे थ्री, तो हम क्या करेंगे इसमें से थ्री कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर,
इसको हम क्या लेट कर लेंगे, एम लेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3q² = m। ये हमारा पहला कंडीशन जो है वो सॉल्व हो गया। क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। अब देखो बेटा, यदि हमें दूसरा कंडीशन r = यदि हमने 1 माना, क्या माना 1, तो क्या हो जाएगा a² = bq + r² होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b कितना हमारे पास 3q + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² ये क्या हो जाएगा 9q² + 6q + 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3m + 1। हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 3m² क्या हो जाएगा 3q² - 3 2 = 6। तो 6q + 1 जो भी ब्रैकेट में होता है बेटा, उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो ये क्या हो जाएगा 3m + 1। क्यों? क्योंकि let 3q² - 2q = m। तो समझ गया बेटा, कुछ नहीं करना आपने, बस ये फॉर्मूला लिखना है और क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है या क्यूब पूछ रहा है, वो क्या करना है, लगा देना। ठीक है, देखो बेटा, चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3m और 3m + 1। यदि हमें 8 पूछता तो हम 2 को भी लेते, लेकिन हम पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों लें, तो हम क्या करेंगे, बस 0 और 1 को लेके छोड़ देंगे। होपिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम आपको जो हमने बताया, बेसिक्स आपको वही लेके चलना है। बेसिक्स क्या है, इसमें लिखो क्या लिखा हुआ है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = bq + r, वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r एंड r इज स्मॉलर देन b। पहला स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 9m। देखो क्या है, 9m है, तो यहाँ b को हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको क्या कह रहे हैं, चूंकि यहाँ क्यूब है तो इसके स्क्वायर या क्यूब करने पर हमें 9 कॉमन आ सके, तो हम 3 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, तो हम b = 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, r = हो जाएगा, क्योंकि देखो 0 के बराबर होते हो 0 और 3 से छोटा 1 2, क्या हो जाएगा 0 1 2। अब हम क्या करते हैं, इफ़ r = 0, तो क्या हो रहा है, a = bq + r, ये तो हमारा फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान रखना है क्या कह रहा है, क्यूब। क्या कह रहा है, क्यूब। तो यहाँ क्या लगा देना है, क्यूब, और यहाँ लगा देना है क्यूब। अब हमारा b कितना है, 3, तो 3q + 0 का होल क्यूब। अब 3q क्या है भाई, तो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही रह जाएगा, ये जाएगा 3 3 9 3 27 q का क्यूब। लेकिन बाबू हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो हम 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया, 3q का क्यूब। जो ब्रैकेट में होता है उसको m मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 9m। क्यों? क्योंकि let 3q का क्यूब = m। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमारा क्या है, 9m + 1। क्या है, 9m + 1, फिर से लिखेंगे, इफ r = 1, तो क्या हो जाएगा, bq + r का होल क्यूब। b हमारा कितना है, 3 क्यूब, r कितना हमारा, 1 माना हमने, इसका होल क्यूब। अब देखो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा, a³ + 3a² b, है ना, +3ab² तो 3q * 1 का होल स्क्वायर + b का क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 q का क्यूब + 3 3 9 9 3 27 q का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 q,
प्लस वन। अब देखो हमें क्या चाहिए, नाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नाइन कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्या बच जाएगा, थ्री क्यू का क्यूब प्लस थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस का वन। अब जो ब्रैकेट में होता है तो हम एम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाइन एम प्लस वन। क्यों भाई, क्योंकि हमने थ्री क्यू का क्यूब प्लस थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या माना है, एम माना है। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन। अब तीसरे कंडीशन की तरफ हम चलते हैं। तो हमने क्या करा, देखो बेटा ये हमने क्या करा, इस पूरे को एम माना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नाइन की जगह तो नाइन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्या मान लिया, एम प्लस वन। यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में कि लेट थ्री क्यू का क्यूब प्लस थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू एम। तो ये हमारा आ गया सेकेंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में चलते हैं। अब हमने क्या देखा, नाइन एम निकाल लिया, नाइन एम प्लस वन निकाल लिया। अब नाइन एम प्लस एट तो निकाल ही लोगे ना, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है आपको, एम की एम को आर की जगह क्या मान लेना है, टू मान लेना है, और सेम फॉर्मूला लगा देना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्वेश्चन में क्या लगा है, क्यूब, आप क्या कर दोगे इसका, होल क्यूब कर दोगे। तो अब क्या होगा, बस बी की वैल्यू तुम्हारे पता है, थ्री है, थ्री क्यू का थ्री क्यू प्लस टू का होल क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए और बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, बी कितना हमारे पास, टू, टू का क्यूब, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है। अब क्या हो जाएगा, ये थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, क्यू क्यू का क्यूब, यहाँ पे क्यूब है बेटा, क्यूब प्लस थ्री, थ्री जा नाइन, थ्री जा 27, टू जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री जा नाइन, नाइन फोर जा 36 क्यू प्लस एट। और भाई हमें क्या चाहिए, नाइन चाहिए, नाइन तो हम ले लेंगे इसमें से। अब क्या हो जाएगा, नाइन थ्री जा 27, नाइन सिक्स जा 54, नाइन फोर जा 36 प्लस एट। अब इस पूरे के बदले हम क्या मान लेंगे, हम आपको पता है ये क्या हो जाएगा, नाइन एम प्लस एट। क्यों भाई, क्योंकि लेट थ्री क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू एम, ये हमने एम मान लिया। तो ये हमारा जो चैप्टर था बेटा, इसको हमने आपको एक सिंगल फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर करना सिखाया है। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस अलग से रिवीजन करने हैं जो मैं आपको बना के दूंगा, और क्या करना है, अगले वीडियो के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है और उसको बड़े ध्यान से देखना है, आपके एक एक कंसेप्ट में क्लियर करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप पूरी वीडियो को देखिए और उसको पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे, और कमेंट भी कीजिए। कमेंट जब आप कमेंट करते हैं तो क्या होता है, हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है और बेहतर वीडियो बनाने का और बेहतर काम करने का हमें क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो लाइक शेयर एंड फुल वॉच करना है, और उसको हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।